गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? बाकी सबको भी बोला है? बाकी सबको तुम बोल दो. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल. वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. और हम भी एकदम बढ़िया है. और आज सुबह सुबह ही चमत्कार हो गया है, वो ये है कि रजत एकदम रेडी हो गया है. एक्चुअली कल रात नैना ने मुझे बोला था टाइम से रेडी हो जाना, बिकॉज हमको कहीं निकलना है, वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं. तो मैंने सोचा मैं पूरा रेडी हो जाता हूँ. नैना तब तक कुछ जरूरी काम कर रही थी. Exactly, मैं वही बोल रही हूँ. आज ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली है जिसका सस्पेंस आता ही जाएगा, इसलिए थोड़े बहुत सस्पेंस तो हम आपको अभी खोल देंगे. फिलहाल जो मैं अभी काम कर रही हूँ ये सस्पेंस तो मैं खोल नहीं सकती, छुपा रही हूँ आपसे मैं. और ये क्या है ये आने वाले 2-3 व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा. और जो बात रजत कर रहा है वो आपको अभी इसी व्लॉग में 2-3 सेकंड्स में पता चल जाएगा. मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं पैक कर रही तुम्हारे लिए. अच्छा. तो एक्चुअली जो हमने मुंगरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा क्या होता है, तो मम्मी वही पैक कर रहे हैं. कहाँ के लिए पैक हो रहे हैं वो नैना बताएगी. यार देखो, जब से हम कनाडा से वापस आए हम ऑलमोस्ट सबसे मिल गए, और जब एनिवर्सरी थी तो सारे रिश्तेदार भी आ गए थे, बट एक बहुत जरूरी इंसान शख्स मम्मी से भी नहीं मिले, दीदी से भी नहीं मिले, अप्पू जीजू से भी नहीं मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट इधा जीवा से भी नहीं मिल पाए हम. वैसे तो जब हम कनाडा गए थे उससे पहले इधा जीवा से मिल के गए थे, बट अब बच्चों को देख के ना वापस मन हो जाता है मिलना है मिलना. एग्जैक्टली. और ये लोग ऑब्वियसली नहीं आ सकते थे क्योंकि इनके पास बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमने सोचा हम ही पहुंच जाते हैं. वहाँ हमने सोचा कि हम चले जाते हैं कनाडा. कनाडा नहीं, मुंबई. लेकिन ये बात सिर्फ रुविदी को पता है. हाँ. मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं है. मम्मी मतलब रोज हमसे ना बात करते यही बोलते हैं कि तुम मुझे मिलने तो आए नहीं. हाँ. ऐसे मस्ती में बोलते. हाँ. बट मम्मी को. हाँ. पता है कि मम्मी ने जैसे इधर जीवा को पकड़ा था, फिर बोलेंगे बेटे इनसे बात ये मासा ये मौसी मौसा बड़े खराब है, ये मिलने नहीं आते ऐसे. तो आज हम एग्जैक्टली और हम भी कर रहे हैं ऑब्वियसली. तो आज हम जा रहे हैं, आपको एनर्जी दिखी रही होगी हमें, बट हम धीरे भी इसलिए बोल रहे हैं कि मम्मी को ना सुन रहा है. बट मम्मी तो मैं ऐसा होता है ना, जब कोई सीक्रेट चीज होती है बेशक वो आपके आसपास भी नहीं हो जिससे आप सीक्रेट रख रहे हो, तब भी आप धीरे बोलते. तो बस वही हो रहा है हमारे साथ. हमारा इतना चला है ना कि सरप्राइज ये वो सो ये वो सो, तो अब हम मास्टर तो हो ही चुके हैं सरप्राइज. नहीं ना, कल से एक ही चीज बोल जा रही, मुझे ना इस घर की बहुत अब मतलब अटैचमेंट हो गई है. इतना कोई बहू होती होगी जिसको अपना ससुराल वाला घर इतना ज्यादा पसंद है ना, क्या बताऊं मैं आपको. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के सोफे पे बैठ के आराम से, सोफा छू रही थी. और ये देखो बर्ड्स की चॉपिंग, ये तो फेवरेट चीज है ही है. और जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद हम यही रहे थे, तो बहुत सारी स्वीट मेमोरीज है यहाँ से. और वैसे मम्मी पापा तो हमारे साथ रहते ही है, पर एक घर से भी अलग प्यार है. और सुबह जैसे मैं सोकर उठा नैना यहाँ पर बैठ के बस ऑब्जर्व कर रही थी, सुकून मिलता है यार. इतना अच्छा, इतनी फ्रेश एयर, आजू बाजू पहाड़ियाँ है, पेड़ है, बर्ड्स है, और क्या चाहिए इंसान को. बट फिलहाल मैं क्या बात कर रही थी ना कि जब हम कनाडा होते थे मम्मी ने मुझे यहाँ से वीडियो कॉल किया था, और ये कद्दू दिखाते थे मम्मी, ये मेरी मम्मी ने भिजवाए थे, और अच्छा। मम्मी ने रखे थे कि जब तुम लोग आओगे तभी बनाऊंगी इनको. ओ सो yes. अभी भी ये रखे हुए हैं, मतलब काफी लंबे चल पड़े हैं. अब खाएंगे कभी कद्दू. तुमको पता है रजत, तुमको क्या पता, तुम्हें तो पता ही है, बट आपको पता है कि जब मैं पहले शादी के बाद यहाँ रही थी ना, तो यहाँ पे सामने हमने 5-6 मोर का झुंड देखा. हाँ, यहाँ नीचे गांव में ये देखो नीचे खेत दिख रहा होगा. yes. इधर आते हैं वो डांस करने, और हमने व्लॉग में भी दिखाया था. और पापा मुझे ना हमेशा ऐसे कहते हैं, नैना जब तू चली जाती है ना तो मुझे तो मोर रास्ते में भी मिल जाते हैं. जब ये सुबह गांव पे जाते हैं इनको हर जगह मोर मिलते रहेगा, और जब मैं आई होती हूँ ना तो मुझे देखने को भी मुश्किल से मिलते मोर. ये है मुंगरे जो मम्मी ने पैक किए हैं. ये एक्चुअली नैना और मम्मी ने कल ही पैक कर दिए थे आई गेस, और पर मम्मी ने इसमें थोड़े और कल वाले लगे फ्रेश लाए मम्मी. ये है छोलंग और ये गोभी है. क्यों तो कम से कम ये सारे नहीं ले जाएंगे, इसमें से हम 2-3 ले जाएंगे, बिकॉज ऐसी चीजें अप्पू भैया बहुत पसंद करते हैं. ये कहाँ रख, मैं पहले ही बता दूँ. मुझे ये ऊपर रहेगा स्टोर पे. सारा निकाल दिया मैंने, कहा यार ये सब ना फंक्शंस के टाइम अगर हम डेकोरेशन करेंगे तो पता नहीं चलेगा, अभी के लिए घर से निकाल देते हैं, बाद में लगा. और ये फ्रेम हमने नया ऐड किया यहाँ पे, वैसे डार्ट था ये हमको एनिवर्सरी पे किसी ने गिफ्ट दिया था. है ये वाले निकाल दो. नहीं नहीं ये अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, डार्ट तो यहीं पे ही है. तो अब तुम नहा लो ना, हम लेट भी हो रहे हैं, 10 बज चुके ऑलरेडी. मैं तो जा ही रही हूं. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इसको बोलना, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है. जल्दी नहा जाओ. अच्छा पर अंदर वो साबुन खत्म हो गया तो साबुन लेते जाना. मैं अपना बंदोबस्त खुद करके चलती हूँ. साबुन भी? अरे मजाक कर रही हूँ. एक्चुअली मुझे एक बहुत अच्छा साबुन मिला था, तो मैंने सोचा कि घर भी ले जाती हूँ. वरना यूजुअली जो साबुन होते हैं ना उनसे क्या होता है कि जो आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, तो उससे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाता है. इसलिए मैं अपने साथ लेके आई हूँ ममाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, जिससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है. इस सोप में 2 वेरियंट्स आते हैं, एंड दे बोथ आर 2-इन-1 सॉल्यूशन व्हिच गिव्स मॉइस्चराइजर
moisturization benefits of lotion while ensuring deep cleanse. It has natural goodness of vitamin C, having lemon and honey. ये हमारी skin को glow करने में help करता है और साथ ही साथ skin को smooth और moisturized भी रखता है. ये soaps made safe certified है and also they are dermatologically tested. So मैं तो बढ़िया से fresh हो गई हूँ. देखो मेरी skin cleanse भी होगी और moisture भी इसमें intact है. तो मेरा soap भी lotion भी दोनों हो गया है. मैं आपको products की goodness तो बता चुकी हूँ, but Mamaearth के बारे में बताऊँ ना, तो इन्होंने एक plant goodness initiative शुरू किया है जिसमें जब भी आप Mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे और 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का. और अच्छी बात अब ये है कि आपको Mamaearth के प्रोडक्ट्स अब ऑफलाइन भी आपके नजदीकी स्टोर्स पे अवेलेबल है. बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart, Nykaa या फिर Mamaearth की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज Jyothika 2024. तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा. इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं. तो चलो नीचे चलते हैं, भूख लगी है. मम्मी ने क्या सब कुछ चुप के ले आए कि ये भी बनाएगा. क्या मुंगरे? मुंगरे तो मुझे, ये तो नैना, ये क्या है, गंडियाली? हाँ ये तो मेरे को आती बनानी, तल के बनाते वैसे. हाँ मैं बना दूंगा, पर मुंगरे में बना दूंगा, मुझे आता है. ठीक है ठीक है, पुदीना इतना सारा, तो कई दिन चलेगा. चलो खाना खाते हैं प्लीज. हाय उपमा तो मेरा फेवरेट है मम्मी के हाथ का. ओहो हो बहुत अच्छा बनाते हैं मम्मी. इनफैक्ट मम्मी ने मुझे रेसिपी भी बताई बट फिर भी मुझसे वैसा नहीं बना, तो मैंने डिसाइड किया कि मम्मी को बोलूंगी कि आप ही दे दो, मैं तो नहीं बनाऊंगी. नहीं ना, मैं सामान बाहर छोड़ रहा हूँ. ठीक है okay. चलो आ जाओ. ये क्या है? ये खाना है रास्ते के लिए. हाँ. चलो जी. मम्मी पता क्या कर रहे हैं, अंदर से पानी की बॉटल भर के लाए और जो हमारी बॉटल नहीं थी मैं यही भूल गई थी गाड़ी में कल. हाँ. उसको भर रहे पानी से. फ्रेश वाटर मिलेंगे जल्दी. आपके बर्थडे पे नहीं आ पाएंगे. हाँ, कोई बात, अभी हम बात कर रहे थे खाने पे. बर्थडे हर साल आएगा, पक्की बात है. हाँ, हर बार ही तो साथ होते हैं. फिर हम हर बार मार्च में दो फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे, एक तो एनिवर्सरी नहीं छोड़नी, दूसरा मम्मी का बर्थडे नहीं छोड़ना. ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय बाय. ओके जी. हाँ जी, आज घर से तो हम वेल ऑन टाइम निकल गए थे, बट अच्छी बात ये हुई है कि ना तो हमको ट्रैफिक मिला है और टाइमली, और टाइमली भी नहीं कहना चाहिए, शायद टाइम से पहले हम पहुंच गए. तो मैं और रजत सोच रहे कि क्यों ना थोड़ा सैलून तक चले जाए. मुझे ना बहुत टाइम से मन था कि मैं हेयर कट करवा लूं, और रजत क्या कहता, मैं अपना पेडिक्योर करवा लूंगा, अपने पांव चमका. यार मेरे को कनाडा में भी पेडिक्योर कराना था, बिकॉज़ मेरे ना बहुत ड्राई हो गए थे वहां पांव, और मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे पांव ना ड्राई रहते हैं, तो मेरे को पेडिक्योर. और मेरे पांव नेचुरली अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, तो मुझे जरूरत नहीं. अच्छे मेरे भी हैं बट ड्राई हो जाते हैं. ओके दैट्स ओके. तो फिर हम सोच रहे हैं कि पार्लर चले जाएंगे, थोड़ी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के पहुंचते बॉम्बे. यार बड़े शहर जा रहे हैं, थोड़े लगने भी चाहिए उस लाइक. आपकी नई गाड़ी में पहली बार है, मुबारक हो आपको आपकी नई गाड़ी. तो अभी हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है और यहाँ से हमें अगली राइड. और नैना ने अपना नया लुक बनाया है, बनाया नहीं एक्चुअली, अभी हेयर कट कराया है और इसने हेयर कलर कराया है. हाँ, सबने कराया, मैंने भी थोड़ा प्लानिंग कर दी थी कि हम आने वाले, तो शाम को नहीं सुबह यहाँ मिलेंगे अगर टाइम से पहुँच. यस, तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट पे हमको छोड़ने जा रहे हैं शिवानी एंड शुभम नई गाड़ी में अपनी. आज एक्चुअली हम पहली बार बैठ रहे हैं इस गाड़ी में ना. देखी भी पहली बार है, इस गाड़ी की मुंह दिखाई तब हो रही है जब गंदी है. अरे फुल धूल लगा कर आए ताकि हम नजर ना लगा पाए नई गाड़ी में. मुंह दिखाई में पेट्रोल दे सकते हैं हम गाड़ी को. वैसे मेरे को विश्वास नहीं था आप लोग जल्दी आ जाएंगे यहाँ. अरे हम 2 मिनट पहले पहुंचे, सब कुछ ले लेते हैं, वो आराम से आएंगे. नहीं नहीं, अब हमने टाइम को कनाडा से हम बदल चुके हैं. एग्जैक्टली, हम बहुत जल्दी उठ गए थे आज सुबह. हैं रोजी दीदी पंक्चुअल है? नहीं नहीं, पंक्चुअल तो हम भी थे बट थोड़ा सा टाइम थोड़ा टाइम से थोड़े हो गए थे खराब, बट हमने रीवायर किया अब खुद को. थैंक यू. ये नहीं, अभी हम पैसे बचा रहे हैं, 10 मिनट है सिर्फ हमारे पास. चुप रह तू. चलो चलो बाय. आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक्सेस लगेज नहीं है और हमारे लगेज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बस 2 बैग है हमारे पास. Who runs away like this without informing? मैं वहाँ देख रहा था, मैं तो आराम से चल रही थी. तो बोलते तो सही. चुप रहो यार तुम,
यहाँ पे एयरपोर्ट की पावन धरती पे कदम रखते ही मेरे दिल में बुलबुले उठ रहे हैं, क्योंकि यार मम्मी से मिलने जा रही हूँ। मैंने इतने दिनों से ना अपनी एक्साइटमेंट ऐसे दबा के रखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अभी तो बहुत टाइम है, तो जब तक वो टाइम आ नहीं जाता ना, मैं खुद को कंट्रोल करके रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो सब हो गया, ऑन फ्लाइट भी ऑन टाइम, हम भी ऑन टाइम, सब अच्छे से हो गया, अब मैं वो बुलबुले आने दे रही हूँ खुशी वाले। देखना ज़्यादा बुलबुले निकले, चलो यार रजत तुमको खाने की पड़ी है, और अनाउंसमेंट हो रही है हमारी फ्लाइट के बाहर। पहले खाना, उसके बाद बाकी चीजें, जल्दी करो, ये हमारी फ्लाइट है रजत, चलते हैं। मुझे टेंशन हो रही है, और रजत आज पहली बार आराम आराम से खा रहा है, मुझे तो ऐसा है कि अभी मैं खाऊंगी भी नहीं। मैं चाहता कि तुम ज्यादा जल्दी मुंबई पहुंचो, इसलिए थोड़ा आराम, जल्दी करो, तुम मार खाओगे मुझसे, ले लूं ना बस एक ये कर दो। A few moments later. सारा एयरपोर्ट खाली हो चुका है, रजत वॉशरूम गया था, अब जा गया है। एक तो जब हमारी फ्लाइट लैंड हो रही थी उस वक्त इतना लेट हो गया, हम 8 बजे के पहुंचने चाहिए थे, मतलब टाइम देख लो आप 9:15 हो रहे, और उसके बावजूद रजत वॉशरूम गया, आया ही नहीं वापस, मतलब मुझे इतनी जल्दी हो रही है घर जाने की, और अब लेट हुए जा रही हूँ। नहीं, जो मैं कह रही थी ना कि मैं लास्ट टाइम तक एक्साइटमेंट शो नहीं करती, मुझे लग रहा था कि घर तक नहीं शो करनी चाहिए थी मुझे एक्साइटमेंट, अब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि लेट हो गया भाग के। तो मैं क्या करके कर रहा हूँ, तुमको क्या लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, जब से हम मुंबई लैंड हुए ना तब से मुझे रुक दी के मैसेजेस आ रहे हैं कि कहाँ पहुँचे, मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मम्मी भी घर पे, और हमने मम्मी को अभी तक कानों कान खबर नहीं होने दिए, तो अभी आई गेस पिछले आधे घंटे से तो ना रुक दी, ये देखो अभी भी मैसेज आए, किधर, मैं कहा क्या हो गया आपको, पूजा की थाल लेके खड़े हो, आ रहे हैं हम, मम्मी को समझ नहीं आया। मम्मी ने वैसे ही खाना छोड़ दिया है, ज्यादा मत बोल, हम लेट हो गए बहुत, और थोड़ा वॉशरूम भी गया एयरपोर्ट पे, जब तक पूरा एयरपोर्ट खाली नहीं हुआ ना तब तक ये बाहर नहीं निकला। मैं सोचूं मेरे को स्वप्न तो नहीं आ रहा है। चलो भाई भूख लगी है मुझे, खाना है, हमने भी एक छोटा सा सरप्राइज रखा था, ये हमारे लिए, नहीं तो क्या, किसके लिए? क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों के पास से आना, मेरे गोदी में थे बच्चे, बच्चे कहाँ छुपा दिए, लगे हुए घर में बच्चे एकदम शांति है। कहते उसके बेटे का ना बर्थडे था ना, तो मैं जा नहीं सकी बर्थडे के लिए ना, तो मैंने सोचा यही मना ले। तुम आए क्यों भाई? आपको पता है हमें
कितनी दिक्कत हुई थी ये छुपाने में, और इस महीने इतने सरप्राइजेस हो चुके ऑलरेडी, मैं तो पागल हो गया हूँ। क्या छुपाने, गलती से निकल सकता था कभी भी आपसे बात करते आपसे बार बार फोन नहीं करते थे मुझे नहीं, खुद को मारो, मुझे तो पता नहीं वापिस से ऐसे हो गए। सही बात है, वजन कम हुआ है, इंच शायद कम हो गया। चलो ये कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगी, डोंट वरी, भूख लगी है मुझे तो। यस, हम नीचे बच्चों को घुमाने लेंगे ना, तो ये नीचे था और सारा सामान ना वहाँ, तो वो एयरपोर्ट पर रजत कहता है, मैंने सुन हम भी बुके लेके जाते हैं घर को, मैं कहता नहीं रजत हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी थी ना, तो मैं बार बार पूछ रही हूँ निकले क्यों नहीं, निकले क्यों नहीं, अब आए, अब निकले, अब निकले। जब से लैंड हुआ जब तक यहाँ पहुंचे कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 मैसेजेस तो किए ही, किधर 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 किधर, मेरे को पता क्या है क्योंकि अब मैं खत्म, मेरे पास कहानियां खत्म हो गई थी। मुझे तो सरप्राइज ऐसी होता है, ऐसा कैसा थोड़ी ना होता है। अंदर से तुझे उठ गए ये लो भरोसा, ये अब भरोसा हो रहा है, ये सब्जियां और ये लेकर आया, फ्रूट्स लेकर आया। पर्पल गोभी घर पे होगी भी, पर्पल गोभी भी। रियली? हाँ, पुदीना पुदीना रूबी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये अप्पू जीजू के लिए, जीजू के लिए, और आपके लिए, कृष्णा के लिए। क्या मुंगरा से कुछ नहीं लाया? पुदीना मेरे लिए, मुंगरा कृष्णा के लिए। मैंने मैं नहा के आती हूँ, बच्चे से मिलके उसके बाद दिखाऊंगी कि मुंगरा क्या लाया। अच्छा ठीक है, ये लो ये तुम्हारे लिए। देयर फेवरेट फूड, या अभी नहा कर आएंगे फिर आराम से इत्मीनान से चिट चैट करेंगे। उठ गई इधा, ये वाली लाइट ऑफ करो, इनके लिए लाइट बहुत ज्यादा है। रोने दो, कोई नहीं, उठने दो। जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो इसने स्माइल किया, पूछो पहचान गई है। कितने दिन के थे जब ये? 9 दिन के। अब वो क्या, 4 महीने? अब अगले 10 दिन में हो जाएंगे 4 महीने के। इसके गाल में क्या रसगुल्ले डाल रखे? खाते पीते खानदान की लड़की है, टच होती शुरू। जब से हम पहुंचे हम गप्पे मार रहे थे, और गप्पे मारते मारते पता नहीं लगा टाइम का, अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और नैना वगैरह सब सो गए हैं। बट मैं आया था किचन में क्योंकि रूबी ने आज आपने देखा ही हमारे लिए खाना ऑर्डर किया था जो हमें पसंद है। आइसक्रीम भी ऑर्डर करी थी बट वो थोड़ा लेट आई, तो तब तक सबको लगा कि अब खा रही नहीं है, बट मेरा मन कर रहा था कि आइसक्रीम खा ही लेता हूँ, तो मैं आया हूँ किचन में, आइसक्रीम खाता हूँ, उसके बाद सोने जाता हूँ। कल रात को तो मैं थक गई थी और अभी एकदम फ्रेश उठी हूँ, और उठते देखो कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट है, टेस्टी तो हो गई। और क्योंकि हम रुक गए घर पे तो ये हेल्दी होना तो ज़रूरी था ही, और मैं आराम से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, अभी वापस उठ जाएंगे तो हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए अभी हम ब्रेकफास्ट। और मेरे मुँह में पानी आ रहा है ये सब देख के। सो हम ये भी हेल्दी तो कल ही देख लिया था, खा चुके हम तो। रात को ज़्यादा केक नहीं खाया था, यू नो रात को मीठा नहीं खाते, अगर मैं शिमला मिर्च ठूस ठूस के खा लेती बट दैट्स ओके। और फिलहाल के लिए हम अभी अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो में हमारी मम्मी को जरूर देखें, मम्मी को भी सब्सक्राइब करें।
मम्मी का चैनल नहीं, यहीं पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको मम्मी को। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मम्मी ने रात को क्या किया है? क्या किया है? उठ के हमें उठ के आ रही है और हमारे को छू दिए रात को। मम्मी ये क्या कर रहे हो? बोले मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तुम सच में आए रात को, मतलब 2 बजे। हाँ तो भैया मुझे क्या पता, क्योंकि अब तो हमने सोचा था कि हम ही जाएंगे इनको मिलने, लेकिन ये पहुंच गया अचानक से। तो फिर मैं उठ के सोच रही हूँ कि है मम्मी, और सुबह भी सुबह उठ के ऐसे ऐसे छू रहे नैना को। मम्मी ने कल 10 मिनट तो बस ऐसे पॉज लिया जैसे हमारे मम्मी कर देंगे एंड। बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो तो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय बाय।